तो हेलो फ्रेंड्स, यार मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं और हम सब जानते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में कि हमने शुरू से इस्तेमाल करा जब वो 128 एमबी का आता था, फिर 512 एमबी का आता था, 4 जीबी का आता था और आज 32 जीबी 64 जीबी तक हम यूज कर रहे हैं। तो हम सब मेमोरी कार्ड के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से मेमोरी कार्ड खरीदना चाहिए, कैसे इसे पहचान सकते हैं, कौन सा बढ़िया है, किसकी क्वालिटी अच्छी है और किस तरीके से हमें मेमोरी कार्ड खरीदना चाहिए? अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो देखते रहिए मेरी वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ, मैं इन सब बातों को आज क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अपडेट और बिना टाइम खराब करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे बात करता हूँ इसी मेमोरी कार्ड के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा इसे सब्सक्राइब और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, नीचे करिएगा कमेंट और मुझे बताइएगा कि क्या बुरा लगा आपको मेरी वीडियो में, क्या अच्छा लगा और कोई सुझाव या सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर हम बात करें मेमोरी कार्ड के बारे में तो यह आता है 3 अलग अलग साइज में, जिसमें पहले हम यूज करते थे फुल साइज जिसे हम कहते थे एसडी कार्ड और उसके बाद आया माइक्रो एसडी कार्ड और फिर मिनी एसडी कार्ड जिसे हम यूज करते थे बीच में छोटे से साइज का होता था, पर वो इतना चला नहीं, माइक्रो एसडी कार्ड हमारा ज्यादा चला। इसके बाद भी इसमें आती है 3 अलग अलग क्लासेस की स्टोरेज को देखते हुए, जिसमें पहली है स्टैंडर्ड कैपेसिटी जिसमें बनते हैं 128 एमबी से लेके 4 जीबी तक के एसडी कार्ड और वो भी हमें पूरे नहीं पड़ते, इसलिए हमने बनाया HC यानी हाई कैपेसिटी एसडी कार्ड जिसमें 4 जीबी से लेकर 32 जीबी तक का एसडी कार्ड बनाना पॉसिबल था। और उसके बाद भी हमें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ी तो हमने बनाया XC यानी एक्सटेंडेड कैपेसिटी एसडी कार्ड जिसमें 64 जीबी से लेकर 2 टीबी तक का एसडी कार्ड बनाना पॉसिबल हुआ। हालांकि 2 टीबी का एसडी कार्ड अभी तक मार्केट में नहीं है, पर फ्यूचर में अगर कभी ये आता है तो एक्सटेंडेड कैपेसिटी का एसडी कार्ड ही कहलाएगा। तो ये तो हो गई हमारे एसडी कार्ड की कैपेसिटी की बात, पर इसके बाद आते ही क्लास जो तय करती है इसकी स्पीड की, वो कितने एमबीपीएस की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। तो डाटा ट्रांसमिशन जिस हिसाब से हम इसकी नापते हैं उसे हम कहते हैं क्लास, जिसमें आते हैं क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10 एंड UHS 1, UHS 3। अब बात करें क्लास 2 की, क्लास 4, क्लास 6 एंड क्लास 10 की, तो इनका हिसाब कुछ ऐसा है। मान लीजिए क्लास 2 का एसडी कार्ड है वो 2 एमबीपीएस की स्पीड देगा, क्लास 4 का है तो वो 4 एमबीपीएस की स्पीड देगा, क्लास 10 का है तो 10 एमबीपीएस की देगा और 6 का है तो 6 एमबीपीएस की स्पीड देगा। पर अगर आप खरीदते हैं UHS 1 UHS 3 का एसडी कार्ड तो आपको 30 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करा देता है। अब सवाल उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे, तो इसके पहचानने के बारे में आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से एसडी कार्ड पे जिसके मार्क होते हैं और लिखे होते हैं कुछ इस तरीके से, आप इन्हें देखकर बड़ी आराम से पहचान सकते हैं क्लास 4 है, 6 है, 10 है, UHS 1 UHS 3 है। इस हिसाब से आप बड़ी आराम से इन्हें पहचान सकते हैं कि इसकी कौन सी क्लास है या फिर ये कौन सी स्टैंडर्ड कैपेसिटी है, एक्सटेंडेड कैपेसिटी है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। यार सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो शायद आवाज आपको अच्छी ना मिल रही हो, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और अब बात करें आपके डिवाइस के लिए कौन सा एसडी कार्ड किस चीज के लिए पोर्टेबल है। मान लीजिए आप नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो बनाते हैं तो आप सेकंड क्लास का एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं, पर अगर आप बनाते हैं HD वीडियोस तो आपको क्लास 4 या क्लास 6 का एसडी कार्ड लेना चाहिए और अगर आप बनाते हैं फुल HD वीडियो तो आपको क्लास 10 का एसडी कार्ड लेना चाहिए। अगर आप बनाते हैं 4K HD वीडियोस तो आपको लेना चाहिए क्लास UHS 1 UHS 3 का एसडी कार्ड, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर जाएगा आपके फोन के साथ में। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो बनाने के लिए एसडी कार्ड की स्पीड देखने की क्या जरूरत है, तो ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका एसडी कार्ड है क्लास 2 का, तो यार आपका जितना अच्छा इनपुट हो रहा होगा, वीडियो का रिकॉर्ड हो रहा होगा, उतनी अच्छी तरीके से स्टोरेज नहीं कर पाएगा और आपकी वीडियो फट जाएगी, ब्लर हो जाएगी, पिक्सल फट जाएंगे, आवाज अच्छी नहीं आएगी या फिर चिपकने लगेगी, इस तरीके के कुछ काम हो जाएंगे और आपकी वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको बढ़िया वीडियो बनानी है बढ़िया तरीके से अपने फोन में, तो जिस क्वालिटी की आप वीडियो बना रहे हैं उस क्वालिटी के हिसाब से ही एसडी कार्ड लें, तो ही आपका बढ़िया तरीके से डाटा सेव हो सकता है और आपका सारा डाटा इसमें सेव रहेगा बढ़िया तरीके से। और अब मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं कि कैसे आप अपना डाटा सिक्योर रख सकते हो, कैसे सेव रख सकते हो। तो यार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले तो आप एक कंपनी का एसडी कार्ड यूज करो और उसके बाद कोशिश करो कि अपने एसडी कार्ड को कभी भी 80% से ऊपर ना भरो। अगर ये 80% से ऊपर होता है तो आपका डाटा खराब हो सकता है, आपने कुछ भी रखा हो वो एक तरफ से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप अपने एसडी कार्ड को कभी भी 80% से ऊपर ना भरे। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कीजिए लाइक, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा, यार कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक करने के बाद मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या खराब लगा मेरी वीडियो में, ताकि मैं उसमें कर सकूं सुधार और आपको बढ़िया कंटेंट बनाकर दे सकूं। फिर भी अगर आपको यार मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर तो कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा इसे सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं आपको मिलता रहा उसका नोटिफिकेशन। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।